नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, और उस विषय में हम आज उठा रहे हैं एक वैकेंसी राजस्थान पुलिस की। तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जो तरह तरह की चीज़ें स्टार्ट किए हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें कि भाई उसका वैकेंसी आ रही है। अभी उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट आज ये किया है कि भाई लगभग 8000 पद जो है कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के, टीएसपी, नॉन टीएसपी। अच्छा, टीएसपी नॉन टीएसपी का मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे टीएसपी और नॉन टीएसपी, जैसे टीएस में एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कोई सिटी है, ठीक है, तो उसको टीएसपी एरिया में रख दिया गया। नॉन टीएसपी से तहसील है, ब्लॉक है, तालुका है, उसको हम नॉन टीएसपी में रख देते हैं। तो इस प्रकार से मिला करके कई सारे पद जो है अप्रूव हुए हैं। तो राजस्थान की अगर सरकार की तरफ से जारी किया गया है, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीज़ अप्रूव किया गया, एक नोटिस जारी किया गया, तो यकीनन मान सकते हैं कि हाँ इतनी वैकेंसी है। तो आप राजस्थान पुलिस के जितने भी आप राजस्थान से कैंडिडेट्स हैं, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, इसकी प्रिपरेशन अपनी, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। एक 7 से 8 हज़ार के पद जो निकलते हैं जब अप्रूव होते हैं, तो एक बड़ी संख्या कहलाती है ऐसे में, है ना। तो ये बड़ी संख्या में पद हैं, लेकिन ये बड़ी संख्या में पद जब होते हैं तो जब लाखों स्टूडेंट, ठीक है, जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको पता है जब ये लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय ये पद ज़्यादा नहीं कहलाती। ये एक कहावत आपने सुनी होगी, ऊँट के मुँह में जीरा, तो वही है, ऊँट के मुँह में जीरा। भाई जहाँ करोड़ों की आबादी है, वहाँ पर साल दो साल तीन साल में इतनी छोटी छोटी वैकेंसीज देना भी नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ऐसे होगा क्या कि आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन तरीके से नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, दिक्कत जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट मतलब लगे हुए हैं उनका होगा, जो नए जो लग बच्चे हैं उनका थोड़ा यहाँ से रुक जाएगा। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ यही कि अपनी प्रिपरेशंस को फिर से धारदार बनाइए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तब तक लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा कहना है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक, तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरुआत कर देनी चाहिए, आपको अभी से अपने तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको काफ़ी आगे लेके जाएगी। साथ में इसका जो सिलेबस है, आपको पता है राजस्थान से का है, तो राजस्थान से भी विशेष कुछ ना कुछ चीज़ें पूछता ही पूछता है, तो आपको ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों को एक अभी से कवर कर लेना, ताकि जब इसका एग्ज़ाम डेट आए, जब नोटिफिकेशन आए, तब इसको फटाफट रिवीजन कर लो। हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है मेरे दोस्तों कि ये बहुत अद्भुत चीज़ है, लेकिन ये अद्भुत तब है जब आप तैयारी करते हैं और तैयारी के दौरान आप देखते हैं कोई चीज़ पढ़ते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं, अगले दिन उसको देखेंगे। आप अगर 100% अगर पढ़े हैं तो आप उसको अगले दिन देखेंगे तो आपको 70% गायब हो चुका हो, 30% रह जाएगा, और एक हफ्ते तक आप देखेंगे कि आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था। ये कुछ ऐसी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप उसको रिवीजन करेंगे तो 100% अगर आपने कल पढ़ा था, रिवीजन करेंगे तो जो 70% बचा था तो 30% ही इंक्रीज़ हो पाएगा, और धीरे धीरे आप जब उसको रिवीजन कर पाते तब तो जा करके वो जितना पढ़े होते हैं उसमें 70% 80% रह जाता है, और हमें सिलेक्शन के लिए लगभग 70% के ऊपर चाहिए होता है। तो ऐसे मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए रिवीजन का टाइम जो होता है उस समय आप नई चीज़ पढ़ते हैं, तो रिवीजन के समय जब नई चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन हमारा रुक जाता है। तो अभी आपको करना यह है कि आपको अभी से अपनी तैयारी करनी है, ताकि जब रिवीजन का समय हो तो रिवीजन करना है, ना कि नई चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। अब चौहान अकेडमी आपके लिए क्या कर सकती है, चौहान अकेडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही नॉर्मल अमाउंट्स पर, ठीक है, 1500, 1500, 1000 ऐसे करके आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशंस कर सकते हैं, हमारा चौहान अकेडमी एप्लीकेशन, उसे आप तैयारी कर सकते हैं। हम धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। आप थैंक यू फॉर आप सभी आपके सपोर्ट्स के लिए, आप इतना सपोर्ट कर रहे, इतना प्यार करते हैं, और इतना मतलब इसको वैल्यू बना दिया आपने आज चौहान अकेडमी की। तो चौहान अकेडमी को इस बात पे गर्व नहीं कि इसने इतने सब कुछ किया, चौहान अकेडमी इस बात का गर्व है कि आप से जुड़ करके एक चौहान परिवार इतना बना, और मुझे उम्मीद है कि इस चौहान परिवार को आपको और आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका हमेशा आगे रहेगी और हमेशा आगे बढ़ेगी। और मैं यही चाहूँगा कि आप हमेशा ऐसा ही प्यार, सम्मान और वैल्यू इसकी बनाते रहें, क्योंकि चौहान अकेडमी एक की नहीं, हम सब की है, आप सब की है, हम सब मिल करके इसको बनाए हैं और आगे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और अच्छा करेंगे। ये भविष्य का हमारा एक वादा है, सपना है, जो कि मैं अकेले पूरा नहीं कर सकता, ये आप सभी के साथ ही कर सकता हूँ, ठीक। ये मेरा हम्बल कहिए या मेरी जो भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि वास्तविकता यही है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला दे, वो व्यक्ति ने ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाया है, उस
उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे बराबर इक्वल महत्वपूर्ण मेरा एक एक सब्सक्राइबर है, मेरा एक एक स्टूडेंट है, जिन लोगों ने मेहनत से और जिन लोगों के सपोर्ट के कारण आज चौहान एकेडमी यहाँ पहुँची। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और जो भी कोर्सेस हैं उन कोर्सेस को परचेस करके अपनी तैयारी शुरू करिए। इसका सिलेबस जो है बहुत ही आसान सिलेबस है, मैं किस दिन और डिस्कस करूँगा, अभी आप स्टार्ट करिए इसके पूरे एग्ज़ाम्स के लिए, मैथ्स हिंदी रीजनिंग जो भी आपकी से है तो आप शुरू करें, ठीक है। चलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, यही चौहान एकेडमी की और चौहान परिवार की तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके सुखद सफल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।